पार्टी बोर्ड के द्वारा जनपद आगरा में परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें 27-28 तारीख को परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर आज समस्त पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक सबकी बैठक की गई थी। आयोग के जो निर्देश हैं उनको बताया गया है। साथ ही परीक्षा के दौरान किस प्रकार की सावधानियां, जिससे कि जो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसको लेकर ये बैठक थी। सभी लोगों से वार्ता की गई, निर्देश दिए गए हैं। आगरा जनपद में 62 केंद्रों पर परीक्षा है और 27 और 28 तारीख को ये परीक्षा आयोजित होगी, जो दो पालियों में है। 27 को भी दो पालियों में और 28 को भी दो पालियों में, जिनमें प्रत्येक पाली में अलग अलग प्रतियोगी छात्र भाग लेंगे। सर, कुछ गाइडलाइंस छात्रों के लिए जारी की गई है, किस तरह से उन्हें आना है, क्या क्या लेके आ सकते हैं? किसी प्रकार की भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ब्लूटूथ, किसी तरह की डिवाइस, लैपटॉप या कोई छोटा इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब अनुमन्य नहीं है। मात्र उनके पास एडमिट कार्ड और उसके आई कार्ड होना चाहिए, उसके साथ इन्हीं सबको लेकर आना है उनको। और किसी प्रकार का इस तरह का, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि लोग गलत तरीके का प्रयास करते हैं परीक्षा में साधनों का प्रयोग करने की, तो उसको लेकर विशेष एहतियात बरती गई। सर, एक आधार कार्ड के लिए भी कुछ जारी हुआ है, फोटो कॉपी? नहीं, आधार कार्ड जो ओरिजिनल जो मूल रूप में है वो लेके आना पड़ेगा, कोई भी पहचान का चिन्ह जिससे उसकी पहचान से दो एडमिट कार्ड। एक सर, आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि बड़े बटन के कपड़े भी नहीं पहने जाएंगे कुछ? अब इस समय ठंड का मौसम है, लेकिन अगर कोई इस तरह की कोई सामग्री पहन के आ रहा है जो संदेहास्पद है, तो उसे जरूर उतरवाया जाएगा, अदरवाइज वो जा सकते हैं।